इस संसार में भगवान कृष्ण की कथा ही सुनने योग्य है, संसार की वार्ता सुनने योग्य नहीं। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई, पहली बार भेंट हुई उस समय हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि कोतुम श्यामल गौर शरीरा, हे श्याम और गौर वर्ण वाले आप दोनों कौन हैं? उस समय राम जी ने हनुमान जी को अपनी कथा सुनाई। राम जी ने कहा, कोसलेश दशरथ के जाए पीतु वचन मानि बन आए। देखिए हम दोनों जो है अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरा नाम राम है और ये जो गौर वर्ण का है इसका नाम लखन है, ये मेरा छोटा भाई है। इतना कथा सुना करके राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि महाराज आप तो बड़े चालाक हैं, आपने हमारी कथा तो सुन लिया लेकिन अपनी भी तो कथा सुनाइए। उस समय हनुमान जी अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे ओ दीन बंधु भगवान। हनुमान जी अपनी कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, एक तो मैं मंद हूं और दूसरा मैं मोह के वश में हूं और तीसरा मैं बहुत कुटिल कठोर हृदय वाला हूं और चौथा मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूं। इतना कह करके हनुमान जी बोले कि महाराज बस मेरी इतनी कथा है। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज आप मुझको अपनी कथा सुना रहे हैं कि अपनी व्यथा सुना रहे हैं? उस समय हनुमान जी आगे बढ़कर के भगवान के चरणों को पकड़ लिए और हनुमान जी ने कहा कि महाराज जीव की तो व्यथा ही हो सकती है, कथा तो एकमात्र राम की हो सकती है, कृष्ण की हो सकती है, जीव की तो व्यथा ही हो सकती है। इसीलिए तो एक संत कहते हैं, कृष्ण कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। कहने का भाव यह है कि वास्तव में जीव की कथा सुनने योग्य नहीं है, जीव की तो व्यथा है, कथा तो भगवान की हो सकती है, भगवान की कथा ही सुनने योग्य है।